नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के अंदर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत जो शहर की यातायात व्यवस्था आम दिनों में अवरुद्ध रहती है, उसकी सबसे बड़ी शिकायत की एक वानगी दहली गेट चौराहे को लेकर रहती है। पिछले कई लंबे समय से यहाँ पर कभी चौराहे को बड़ा तो कभी छोटा तो कभी लाइटों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी यहाँ पर छोटा बड़ा किया गया और कई तरह के यहाँ नया प्रयोग किए गए और उसी के तहत एक इसे प्रयोगशाला बना दिया गया। सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ पर ये फाउंटेन था और फाउंटेन के बाद इसे भी छोटा किया गया। कई बार यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को अलग अलग तरीके से चलाने का काम किया गया, कभी चौकी के उस पार से ले जाया गया तो कभी चौकी के इस पार से, और इसी के तहत यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चाहे SP विकास शर्मा हो, चाहे उदयपुर शहर के GS टाक हो और इतने भी उच्च अधिकारी थे, उन सभी ने अपने अपने जितने भी दिमागी खोज सब आई है उसको यहाँ पर लागू किया। और गुलाबचंद जी कटारिया जो वर्तमान में असम के राज्यपाल बन चुके हैं, वह भी यहाँ पर आए, इसका निरीक्षण किया। बांस वाली गली ले लो, दहली गेट चौराहे ले लो, शक्ति नगर ले लो, सभी का पैरामीटर बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी शिकायत जो है, यहाँ पर जो खड़े रहने वाले ऑटो है और कुछ लोग जो अपने नियत क्षेत्र से बाहर आकर ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करते हुए अपना व्यापार करते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे अपने नियत क्षेत्र में रहकर व्यापार करें। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा फैसला जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा लिया गया है वो यह है कि एक नोटिस दिया गया है। यहाँ करीब 12 दुकानें हैं, उन 12 दुकानदारों को ये नोटिस दिया गया है जिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। और ये वो 12 दुकानें हैं जो यहाँ पर निगम के चौराहे पर है। इन दुकानों के पीछे कई ऐतिहासिक मंदिर है और अब नोटिस देकर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो बोटल नेक बनता है वो आने वाले 24 घंटे के बाद कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये बहुत पुराने समय से सभी लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, कई पान की दुकानें हैं, कुछ घड़ियों की दुकान है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का काम करते हुए उदयपुर शहर की जो सबसे व्यस्तम चौराया और सबसे मुख्य चौराया जो दहली गेट चौराया है उस पर कार्रवाई करने का कटिबद्ध हो गए हैं। हालांकि ये बात पहले से तय थी कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ पर अब राजस्थान के अंदर उदयपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि देश में भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है। तो तीसरी ओर निगम के अंदर भी देखा जाए तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो BJP में पिछले 30 सालों से नगर निगम का राज है और उसी के तहत देखा जाए तो ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है वह सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार लोगों के मध्य, हालांकि खौफ नहीं कहा जा सकता है, उन लोगों को हिदायत देने का काम किया जा रहा है जो पिछले कई लंबे समय से यहाँ पर उदयपुर शहर के आम मार्गों पर अतिक्रमण करते हुए काम कर रहे थे। कई लोग यहाँ पर अपनी दुकानों को अब नोटिस मिलने के बाद खाली कर रहे हैं और खाली करने के साथ ही वे अपना कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर शिव मिष्ठान ले लो, गणपति फ्रूट ले लो, और यहाँ तक पहले एक बार आपको बता दें कि गणपति जी महाराज का मंदिर है वह भी यहाँ पर अंदर जा चुका है और करीब वहाँ से लगाकर देखा जाए तो एक नोटिस मिलने के बाद सभी लोग अपने अपने सिस्टम से, कुछ लोग कोर्ट की शरण में भी जा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जो खाली करवाया जा रहा है वो सही करवाया जा रहा है, आपका व्यवसाय का क्या होगा? ट्रैफिक काफी जाम पड़ रहा है, प्रॉब्लम रहती है, तो देखा जाए तो सही भी है, गवर्नमेंट की जगह पर बैठे हुए कहीं ना कहीं आपका ये नहीं देखा जा सकता, आर्थिक स्थिति जो घर का जीवन को पार्जन यही से चलता, कैसे क्या करेंगे आप? मुझे भी यहाँ पे काफी टाइम भी हुआ, ज्यादा कुल मिला के ये मानते हो निगम सही कर रहा है? जो भी है, मैं मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मुझे काफी टाइम ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पे, ज्यादा बात नहीं। कई लोग यहाँ पर छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, उनका घर का जीविकोपार्जन इन्हीं दुकानों से चलती है, लेकिन लोग कुछ तैयार है तो कुछ लोग कोर्ट की शरण में लेते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों ने खुद ही अपना समर्थन देते हुए बताया कि शहर के साथ है, शहर का विकास होना चाहिए और उसी विकास के तहत यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में आप सभी को देखने को मिलेगी। और हो सकता है जो यातायात की व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा बाधित होती है उसके अंदर कई कई राहत मिलेगी और सभी लोग इस बात को लेके अपनी मंजूरी भी दे रहे हैं और अपना समर्थन भी दे रहे हैं।
कुछ लोगों ने कोर्ट का साथ लिया है और कुछ लोगों का कहना है कि हमारा व्यवसाय का आखिरकार क्या होगा, उसके लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। सर कैसे देखते हैं, कोर्ट का एक नोटिस आया है, तो उसे कैसे देखते हैं कि आपका व्यवसाय का क्या होगा? बिल्कुल बाबू जी गलत है ना, हम तो बिल्कुल विरोध कर लेंगे ना, और 50 साल से बैठे हम, हमारे पास रसीद है किराए की आज तक की, रसीदें भी नहीं मान रहा कोई, और हमारे पास जमीन का प्रॉपर्टी का कुछ और तो है नहीं, यही प्रूफ है। लेकिन आपका घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा हमारा, तो अब रास्ता कोई निकले जब, अभी तो ऐसे ही बैठे हैं, अभी नोटिस पढ़ने के बाद तो सड़क पे आ गए, क्या करें। कितनी देर का समय दिया आपने? 24 घंटे लिखा है। 24 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा? 24 घंटे लिखा है। नहीं, आपका काम खाली कर सकते हो क्या 24 घंटे में? भाऊ जी खाली नहीं करेंगे तो नुकसान करेंगे ना, नुकसान को बचाने के लिए तो खाली करना पड़ेगा, या तो छोड़ देंगे तो वो तो इसको हटाने से क्या ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी? अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं, तो ये आप भी शहर में रह रहे हो, 50 साल से चौराहे को देख रहे हो, अब ये कितनी देर दुकान है, आपको क्या लगता है कि वाकई में कैसे सुधर जाएगी? क्या नहीं सुधरेगी बाकी, ट्रैफिक तो बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक तो दिनों दिन बढ़ रही है, ट्रैफिक कम होने की नहीं है। मतलब दुकान को हटाने की जगह फ्लाई ओवर बन जाता तो सही था, या क्या? फ्लाई ओवर बन जाता तो बहुत अच्छा होता, फिर ये नौबत नहीं आती, अब फ्लाई ओवर अब बनना शुरू होगा, अब ये तो फिर पहले से ही वो कर रहे थे। नाराजगी है, नाराजगी 80 साल पुरानी। आपने सुना, इनकी भी अपनी अपनी पीड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार को इनकी तरफ भी देखना चाहिए था और कुछ ऐसा काम करते। अभी कुल मिला के एक नोटिस मिलने के बाद सभी के जहन में एक 50 साल पुरानी पेड़ी छोड़ने का एक बहुत बड़ा दुख है, और करीब बताया जा रहा है कि 10 से 12 फीट की जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ मंदिर भी है ना इस दुकान में? आपको बता दें कि यहाँ पर एक गणपति जी महाराज का मंदिर है, तो दूसरा मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर नोटिस मिला होगा आपको शायद, तो किस तरह का पीड़ा है आपकी, क्या आपको लगता है कि व्यवसाय हटने के बाद आप क्या करेंगे, किस तरह से व्यवसाय होगा? जो भी सबके साथ अपना परिये आप निगम भी गए थे, क्या बात हुई, कोई आश्वासन दिया क्या कि नहीं करेंगे या कुछ? तो मतलब कुल मिला के आपका घर का जीवन जीविको पार्जन कैसे चलेगा, क्योंकि व्यवसाय तो शायद यही कर रहे हैं आप? व्यवसाय यही कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे? तो ये हटाने की जगह उनको कोई कोई आपको आश्वासन भी तो देना चाहिए, यहाँ कर लो यहाँ कर लो, कुछ यही नहीं ना। कोई लाइसेंस दे देते आपको? कोई लाइसेंस देते तो क्यों उसको दे देते, बहुत सारे थे उनके पास, बहुत सारे थे, कुछ खाई नहीं था, क्या बोला उन्होंने, कुछ बोला ही नहीं। अगर ये हट भी जाता है विकास के बारे में तो आपको कियोस्क दे सकते थे ना कहीं कहीं, भाई इसमें व्यवसाय कर लो, जगह बता देते, इस जगह आराम से बैठ जाओ, वहाँ पे जैसे बैठ जाओ वहाँ पे, कुछ नहीं डायरेक्ट हटा रहे हैं। पर आप बहुत पुराने समय से होंगे यहाँ पे? हाँ, लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे व्यवसाय करने के? 35 साल। 35 साल से यहाँ पे, बहुत सारे रूप देखे होंगे चौराहे के बदलते हुए, यहाँ से हटाने के साथ कई बार ऐसी बात आती है सामने, कोई यहाँ से नहीं तो वहाँ कर लो आप, ऐसा कुछ प्रावधान? ऐसा प्रावधान कोई नहीं है, अगर आता तो ठीक रहता है, अगर आता तो हटा दो तो बहुत हटा रहे, जिसका तो आपको दुख होगा, क्योंकि आज शादी कहीं रह जाते हैं तो पेड़ी जमी सबका आजीवन का इसी से चलता है, भरण पोषण इसी से होता है, और इस अब आप आगे की क्या प्रणाली, ऐसे कोई प्रावधान अगर आता है कि कहीं आपको कियोस्क दे दिया जाए, क्योंकि नगर निगम बहुत कियोस्क दे रही है, वहाँ पे आपका काम हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाए तो? ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात, आप मांग करते हैं ऐसी सबके साथ है। आप बताइए सर, अगर आपको कहीं कियोस्क दे दिया जाए इसके बदले, तो आपको राहत मिल सकती है क्या? राहत तो मिलेगी, थोड़ी बहुत तो मिलेगी सर, व्यवसाय बना रहेगा, व्यवसाय बना रहेगा, घर बार चलेगा पूरा, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। अभी किस तरह की पीड़ा है, क्योंकि आपके दिल में अभी बहुत दुख हो रहा होगा? अभी तो वो अब क्या बोले सर, हमें यही बोलेंगे, अब क्या बोले, हमें यही बोलेंगे, अभी हमारी ये रिश्ते थे हमारी, अभी कुछ बोल नहीं सकते। ये सारी जो यहाँ पर करीब 10 से 12 दुकानें हैं, एक नोटिस के बाद इन सब की अपनी पीड़ा, यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं उनको जिनको नोटिस मिला है, उन लोगों का कहना है कि निगम आम तौर पर आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को कहीं ना कहीं कियोस्क देती है, तो ऐसे में एक कियोस्क अगर इन लोगों को मिल जाता और कोई लाइसेंस मिल जाता तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर एक बढ़िया व्यवसाय किया जा सकता था।
लेकिन बलि अतिक्रमण की कार्रवाई कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन ये लोग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। चाहे वो जगह टूट भी जाए आने वाले दिनों में, लेकिन ये लोग कभी नहीं मानेंगे। ये लोग शहर के मुख्य बाजारों में खड़े होकर यहाँ तक चौराहे पे, ये वहाँ नहीं खड़े रह सकते हैं जो यहाँ पे इनको लगता है यहाँ ग्राहक ज्यादा आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको 50 बार के दो। आप लोग वहाँ खड़े हो जाओ ना चौराहे के बीच में, और वहाँ खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी चलेगी, ग्राहक वहाँ ज्यादा आएंगे। और फर फर के तो यार आप सोचो, यहाँ गाड़ियां क्रॉस होती है आपकी वजह से, तो इनका तोड़ रहे हैं, तो आप ही नहीं सुधर रहे, वो क्या सुधरेंगे। ओवरऑल जो आज कंक्लूजन है, एक बड़ी कार्रवाई जो नगर निगम के 30 सालों के कार्यकाल में अतिक्रमण को लेके हुई है, वह आने वाले समय में और बड़ी तौर पर देखने को मिलेगी कि जो बोटल नेक है वो शायद हट जाए, और उदयपुर शहर का जो व्यस्तम चौराया मुख्य डेलीगेट आने वाले समय में ये खुला खुला सा नजर आएगा, और इसी के पैरामीटर पर यह तय हो पाएगा कि आखिरकार वास्तविकता में अतिक्रमण हटाना आवश्यक था या शहर का 400 करोड़ रुपए लगाकर फ्लाईओवर बनाना आवश्यक था। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।